हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं अफसोस अग्निवीर का ना, मार्क्स कैसे बढ़े। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे आपके, मैं बढ़वा देता हूँ। 5 दिन में 5 नंबर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर अब एग्जाम में 60 दिन है तो 60 नंबर बढ़वा देंगे वाई ग्रुप का, और अगर 90 दिन रहता तो 90 नंबर बढ़वा देते। क्या जाता है बोलने में, वैसा है नहीं है, मजाक की बातें अलग है। लेकिन हाँ, आपके जो करंट मार्क्स आ रहे हैं अभी, जो लेटेस्ट मार्क्स अभी आपने आज या कल में मॉक टेस्ट लगाए हैं, उससे 4 से 5 नंबर बढ़ जाने हैं। जो मैं तरीका बताऊंगा उसको अगर फॉलो करोगे तो, मजाक अपनी चीज़ अलग जगह है, और पढ़ाई वाली जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आप क्या गलती कर रहे हो वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मॉक्स कैसे लगाते हैं, मॉक्स लगा कब लगाते हैं, लगाने के बाद किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने पूरे दिन को शेड्यूल करते हैं। बोलोगे मॉक के अकॉर्डिंग दिन शेड्यूल किया जाता है, हम तो रात में लगाते हैं। भैया यही तो बात गलत हो गई कि रात में मॉक लगाते हो। नहीं, मॉक लगाने का सही टाइम पता है क्या होता है, सुबह सुबह लगा लेने का। भाई कहोगे एकदम अजूबा आदमी नहीं हो आप, मास्टर साहब उल्टा सीधा सिखाते हो। नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मॉक के अनुसार अगर आप दिन का शेड्यूल बनाओगे ना कि मेरे को आज क्या क्या पढ़ने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बेटर से बेटर हो जाएगी, इवन बेटर से बेस्ट तक पहुंच जाएगी। तो ये प्रिपरेशन जो है ना, जब आप बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करोगे तो खुद लगेगा कि हाँ, एक बंदे ने, यूट्यूब वाले ने सही बताया था, पहली बार किसी यूट्यूबर ने सही डायरेक्शन दिखाया। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको पूरी कंसेप्ट। अगर मॉक के बारे में सोच रहे हो कहाँ से लगाना, तो मॉक के बारे में आपको एक ऑफर दे सकता हूँ। हमारे हमारे ए टू जेड स्टडी ऐप पे ना, एकदम 50 रुपीज़ में पूरे 3 मंथ के लिए वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है। एक्स ग्रुप की तो अभी नहीं है, और कोशिश करेंगे अवेलेबल कराते, बट इसके अंदर सिर्फ वाई ग्रुप की ही नहीं है, बल्कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के साथ साथ कोस्ट गार्ड नाविक की भी मॉक मिल जाती है 3 मंथ के लिए आपको। जस्ट इसी में अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, नेवी एमआर का भी मिल जाता है इसी में। और बाकी कुछ अगर एक्स ग्रुप वाले बच्चे लेते हैं तो उसमें इंग्लिश के बहुत सारे टेस्ट वगैरह, आपको वोकैबलरी के टेस्ट वगैरह, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ओवरऑल आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना, आपको ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करना है, उसमें कोर्स होगा ए टू जेड टेस्ट प्रो करके, ठीक है। उस कोर्स को जस्ट 50 रुपीज़ में आपको 3 मंथ के लिए मिल जाता है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा के लिए लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे होगा, आप देख सकते हो। जितना मंथ बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ जाती है, बट आपको सिर्फ एयरफोर्स टारगेट करना है तो आप 3 मंथ ले लो, ठीक है। मार्च में एग्जाम है ना, 3 मंथ ले लो। इतना कम प्राइस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी जो सर्विस चार्जेस वगैरह लगती हैं उसमें ही हो जाए, आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसा कुछ ले ही नहीं रहा हूँ। अभी मिनिमम तो 10 मॉक टेस्ट है, और उसमें हम लोग आगे मॉक टेस्ट ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे, और कहीं से महंगी मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं इसी के अंदर बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट ना वाई ग्रुप की अवेलेबल करा दूंगा, पैसे मत वेस्ट करना कहीं। इसमें मैं बेस्ट मॉक टेस्ट आपको दूंगा, ये मैं सोचना कि हाँ इतने कम प्राइस में दे रहा है तो क्या विश्वास करें। मैं मॉक टेस्ट में कमाना बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। मैं जेन्युइनली जो बात है, इसकी पैसे जाती हैं उन सारे स्टाफ्स को जो मॉक टेस्ट हम मेरे क्वेश्चन देने के बाद एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, तैयार करते हैं, उनके लिए जो लोग हायर कर रखे हैं उनको जाते हैं, बाकी मैं आपसे कमाता नहीं उसके अंदर। अगर ऐप पे कुछ समझ में ना आए तो हमारे स्टाफ बैठे हैं टू जेड स्टडी ऐप के लिए, ठीक है। आप उनको व्हाट्सअप करके पूछ लेना किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं, क्या करें, वो बता देंगे, ठीक है। किस तरीके से ऐप को यूज़ करना है व्हाट्सअप करके पूछ लेना। अभी देख लो, मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले मॉक टेस्ट को शेड्यूल करो। आपकी प्रिपरेशन अगर मान लो अभी 0% भी है, तो भी आप कम से कम 1 सप्ताह में एक मॉक लगाओ, 1 सप्ताह में एक मॉक लगाओ। अगर आपकी प्रिपरेशन 50% हो गई है, तो अगर अब एग्ज़ाम में 2 महीने टाइम है तो आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और एग्जाम में 1 महीना टाइम है तो आपको वीक में ना डेली एक मॉक लगाना चाहिए। वीक में एक मॉक से मतलब नहीं, आप डेली एक मॉक दो। कहोगे ए टू जेड स्टडी ऐप पे तो उतना मॉक है नहीं, सही बात है, नहीं है, बट आगे चल के अपलोड हो जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, एग्जाम है ना, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी फिलहाल आपका वीक में एक मॉक देने का टाइम है या फिर 2 मॉक्स देने का टाइम है, तो इतने हैं आपके मॉक टेस्ट, और आगे अपलोड होते जाएंगे तो आपके एग्जाम 1 महीना पहले इतने मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कि आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगा पाओगे, ठीक है। तो देखो, अभी फिलहाल के लिए वीक में क्या करना है आपको, 1 से 2 मॉक लगाना है, और इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन को तैयार करना है। जैसे मान लेते हैं मैं सबसे सुबह सुबह उठ के एक मॉक लगा रहा हूँ, चाहे मैं एक्स से मैं फिल कर रहा हूँ जिसको साइंस कहते हो, ठीक है, चाहे मैं वाई से फिल करता हूँ, चाहे अदर देन साइंस कहते हो, या फिर मैं एक्स एंड वाई दोनों से कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुल मिला के जो है, जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस एंड अदर देन साइंस कुछ भी से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मॉक लगाएंगे, और मॉक में सबसे पहले मेरे को इंग्लिश दिखेगा। इंग्लिश में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओके मैं चलता हूँ, मेरे को ग्रामर नहीं समझ में आ रही, ऑब्वियसली चीज़ें जब आपने नहीं पढ़ा, मान लेता हूँ मैं अगर 0% प्रिपरेशन वाले हैं तो, ठीक है, तो क्या करें। सबसे पहले पैसेज में तो कुछ अलग से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, पैसेज तो हर बंदा पढ़ सकता है, अगर आप 10th 12th पास करके आए हो तो बहुत ईजी से चीज़ है, इसमें कुछ अलग से तैयारी नहीं होती है। आपने 12th के एग्जाम में भी दिए होंगे पैसेज वगैरह, हिंदी में गद्यांश रहता था, इंग्लिश में पैसेज रहता था, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है।
आप इसको कर लोगे, 4 में से कम 3 क्वेश्चन भी कर लोगे, इतना ईजी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जैसे वो कैप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। जैसे सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम का मतलब विपरीत, उल्टा। ये सभी चीज़ें आप तुक्का लगा लो स्टार्टिंग में, आपको कुछ नहीं आना तो आप 20 में 20 तुक्का लगा लो। ठीक है, आप सेटिस्फेक्शन के लिए तुक्का लगा लो, आपको लग रहा है ना कि हाँ ये हो सकता है तो लगा लो, अदरवाइज इस तरीके से आप फॉलो करो। और मैं बोलता हूँ जिसकी 50% प्रिपरेशन भी हो गई है, ध्यान सुनो, अगर 50% प्रिपरेशन हो गई है तो कोई तुक्का नहीं लगाना। 0% वाले को मैं क्यों बोल रहा हूँ तुक्का लगाने के लिए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी नए होंगे, उनको सीखना है मॉक्स के बारे में। ठीक है, लेकिन 50% भी प्रिपरेशन अगर आपकी हो गई है तब मॉक लगाते हो तो बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना, एक क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना आपको। आपको तुक्का का मतलब आंख बंद करके नहीं करना है कि हाँ चलो आंसर नहीं पता फिर भी लगा देते हैं, वो नहीं। तुक्का लगाने का एक तरीका होता है कि अगर दो, हमको 4 ऑप्शन में 2 एलिमिनेट हमने कर लिया तो 2 में से 50% रह रहा है, देन हम एक को लगा सकते हैं, बट 4 के 4 में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उस सिचुएशन में, अगर 50% भी तैयारी हो गई तो तुक्का लगाना बंद कर दो। वे बोला तुक्का मतलब आँख बंद करके आंसर करना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, मैंने आपने आपने इंग्लिश कर लिया, आपने रागा का सेक्शन कर लिया, आपने मैथ कर लिया एक्स ग्रुप वाले, आपने फिजिक्स कर लिया। अब आपको देखना है ना जिसकी 50% भी तैयारी होगी, अब जिसकी 0% है तैयारी, आपने बस एक मॉक लगा लिया सप्ताह में, आपको पता चल गया कि आपके 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, यही आएगा स्टार्टिंग में से, ज़्यादा नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिक से तैयारी करना है, सेटिस्फेक्शन के लिए सप्ताह में एक मॉक लगाना है, बाकी तैयारी तो आपको बेसिक से ही करनी है, लेकिन आपके 50% प्रिपरेशन के बाद ही मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर क्या करना आपको, आपको अब देखना है ना 50% हमने तैयारी कर लिया या फिर हमने 100% एक बार पढ़ लिया है, देन हमारे मॉक में नहीं आ रहे, दोनों को मैं बताता हूँ एक साथ। ठीक है, तो अपने को एक कॉपी लेना है, ध्यान से एक कॉपी लेना है मॉक लगाने के बाद, मॉक जब हमने लगा लिया पूरा, एक कॉपी रखना है जिसमें 10 15 20 पेज हो खाली, उतना भी चलेगा, या फिर आप अलग से पेज निकाल के एक पिन लगा के कर लो अलग से, 20 25 पेज होंगे उसमें। अब मेरे को क्या करना है ना, फर्स्ट पेज में मैं देख के चल रहा हूँ कि ठीक है मैं इंग्लिश को लिख रहा हूँ, पर मैं इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ा था, इंग्लिश में मेरे को लग रहा है मेरे को सिनोनिम्स ये चीज़ पढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैंने गलती किया, इसका मतलब आपकी रिविजन की कमी है। तो आपने नोट लिखना है इंग्लिश में कि मैंने जितने सिनोनिम्स पढ़े हैं, सिनोनिम्स जो पढ़े हैं उनका रिविजन करना है। आपको नोट में क्या लिखा है, सिनोनिम्स का मेरे को रिविजन करना है। आपने आज का डेट शेड्यूल कर दिया, कब, अगर आपको पढ़ा हुआ सिनोनिम्स, पढ़ा हुआ एंटोनिम्स, पढ़ा हुआ कोई भी वोकैब का सेक्शन आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ था फिर भी गलती हुआ, तो देन आपका नोट में पहले नंबर पे होना चाहिए कि हमको वोकैबलरी की रिवीजन करनी है आज के टाइम पे, नया नहीं पढ़ना कुछ। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम रिवीजन करेंगे, बिकॉज हम पढ़े हुए चीज़ भी जब भूल रहे हैं तो नया क्या गारंटी कि नया पढ़ के भी हम सीख जाएंगे। तो जो पहले आपके पास है, कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास है पहले उसको सिक्योर करके रखो, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की संपत्ति पर नज़र डालने की वजह से जो है हमारा वो भी चला जाए। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जो हम पढ़ के भी गलती कर रहे हैं इसका मतलब नया पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारा क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उन सब चीज़ों पर रिविजन करेंगे जो हम पढ़ के भी गलती कर रहे हैं। दूसरा ये देखेंगे, ठीक है, मैं इंग्लिश की पूरी कॉन्सेप्ट मैंने बता दी, चाहे आपका वोकैब सेक्शन हो, चाहे आप पैसेज को तो नहीं ले सकते, पैसेज प्रैक्टिस पर जाता है, चाहे आपका ग्रामर का कोई चैप्टर हो, लग रहा है कि पढ़ के गलती की तो आपको रिवीजन लिखना है उस पर। दूसरा बच्चा ये हो सकता है कि नहीं, जितना उसने पढ़ा होगा उसकी सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ वो चीज़ें या तो गलत हो या तो उसको नहीं पता है फिर भी उसने तुक्का लगा दिया, या फिर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं उसकी, जैसे मान लेते कोई एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा उसने, देन वो चीज़ छूट गया उसका, नरेशन नहीं पढ़ा, ऐसे करके 7 8 चीज़ें छूट गई हैं जो बिन पढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो उसमें से ना मान लो 7 8 चीज़ों को नोट में नहीं लिख लेना, उसमें से आपको ये देखना है, एक्टिव पैसिव छूट गया आपका, नरेशन छूट गया आपका, हो सकता है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब जो चेंज करने वाला होता है वो छूट गया हो आपका, इस तरीके से कुछ कुछ प्रीपोजिशन छूट गए हैं, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर भी छूट गया, तो वो सारी चीज़ों को नहीं लिख लेना कि ये सारी चीज़ें मेरे को आज पढ़नी है, आप इंसान हो मशीन नहीं हो। तो आपको इनमें से वो एक ले लेना है जो आपको पसंद हो, जो आपका मन कर रहा है पढ़ने का, बोलोगे हाँ, आप कहोगे कि मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मैं बोलता हूँ इनमें से जिसको आप अट्रैक्ट हो रहे हो देख के, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही नीरस चीज़ है, जब तक आप उसमें लगन नहीं लगाओगे ना और अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे ना कि मेरे को ये मन करा मैं आज यही पढ़ूंगा, तब तक आपको पढ़ाई मन लग रहा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको मन है कि आज हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़ना है मेरे को, लेकिन आप जबरदस्ती लेके एक्टिव पैसिव बैठ गए, नहीं मन लगने वाला, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को आज ना प्रीपोजिशन ही पढ़ने का है, तो आप नोट कर लो मैं आज प्रीपोजिशन पढ़ूंगा इंग्लिश में और कुछ नहीं, मेरा पूरा दिन खत्म, मैं पूरा दिन प्रीपोजिशन, अपने आप में बड़ा चैप्टर है, मैं पूरा दिन पहले क्या करूंगा, मैं रिविजन करके जो टाइम बचा मैं प्रीपोजिशन करूंगा, अगर प्रीपोजिशन मेरे से आज नहीं हो पाया पूरा दिन रिविजन में गया, तो नेक्स्ट डे मेरा टास्क होगा मैं प्रीपोजिशन पढ़ के ही आगे कुछ पढ़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इंग्लिश का। अब मान लेते हैं रागा का कोई सेक्शन हो, चाहे मैथ हो या फिर फिजिक्स का कोई सेक्शन हो, इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। हमारे क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, कि वो चीज़ जो
जो हम पढ़ के भी गलती कर रहे हैं, ठीक है, हमको लग रहा है कि पढ़ा हुआ है फिर भी मैंने गलती किया, तो हमारा ये सबसे प्रायोरिटी उसी को देंगे, जो चीज़ पढ़ के गलती कर रहे हैं नोट में हम वही लिखेंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ा था, हमारी गलती हुई है, मतलब पूरा का पूरा दिन हमारा रिविजन पे, चाहे वो एक दिन लग जाए चाहे 2 दिन, हम जब तक रिविजन नहीं करेंगे नई चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमारा प्रायोरिटी उसी चीज़ पे होना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ सोच लो, जो चीज़ आप अगर पढ़ के भी गलती कर रहे हो ना, इसका मतलब आप नई चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ नई चीज़ों को सीखना, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो नई चीज़ सीख ही लोगे, इसकी 100% गारंटी है कि नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में आप पुरानी चीज़ खो दोगे, ओवरऑल आपके पास रहेगा कुछ भी नहीं, आपने गेन कुछ भी नहीं किया खाली नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में। तो हमारा क्या होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ के गलती कर रहे हैं, पहला टास्क उसको रिवाइज करेंगे, हम रिविजन करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि हमने तुक्का मारा था, तुक्का किस बेसिस पे मारा था, लग रहा था कि हमने कभी ना कभी पढ़ा है, ठीक है, तो वैसे चीज़ों को ना एकदम नेग्लेक्ट कर दो, नहीं मेरे को आज उसको पढ़ना ही नहीं है, बोलो क्या ये कौन सा ट्रिक बता रहे हो, आपने तुक्का मार के लग रहा था ना कि तुक्का मार के हमने सही भी कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो गलत हुआ उसी पे ध्यान देंगे, जो सही हुआ उस पर भी ध्यान दो कि ये सही किया हमने, तो क्या हमने पढ़ के सही किया, आपको लग रहा है कि नहीं तुक्का पे हमने सही किया, तो उसको तो एकदम किनारे कर दो, उसको आपको लास्ट वाले में रखना है कि मेरे को इस टॉपिक को बाद में ना बाद में मेरे को बेसिक से पढ़ने होंगे। और ये होता है तीसरा चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर वो गलती हुआ, तो मेरे को फोकस इस पे करना है जो मैंने पढ़ के गलती किया, और दूसरा ये फोकस करना है जिस पे मेरे को बिना पढ़े मैंने उसको छोड़ा है, जो लग रहा है तुक्का मारा है उसको, उसके लिए आपको सीरियसली नहीं लेना कि हमारे ये मार्क्स की तरह काउंट ही नहीं करना है आपको, आपको उसको ना इस सेक्शन के अंदर डाल देना कि आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है, अदरवाइज तुक्का मार के सही करके अगर आप खुशी ले ले रहे हो ना आपके माइंड में कि हाँ हम खुश हो जाते हैं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि आप अपने आप को एकदम बिल्कुल भी खुद को डार्क में ले जा रहे हो, और आप बिना पढ़े तुक्का मार के खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मतलब हवाई किला बना रहे हो, ठीक है, यही चीज़ है। और आप एग्जाम में ऑब्वियसली उससे भी कम मार्क्स आने वाले, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप तुक्का मार के सही कर लो, प्रेशर में आप बहुत सारी चीज़ गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ तुक्का मार के सही कर रहे हो उसको लाइटली लो, उसको डाल दो उसके अंदर जिसको मान लो आपने पढ़ा ही नहीं है, और जो आपने नहीं पढ़ा उसको नोट के अंदर लिखो। तो ओवरऑल 2 चीज़ों पर मेरे को फोकस करनी है, जो मैं पढ़ के गलती कर रहा हूँ और तीसरा जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, मॉक के अंदर पहला रिविजन पे फोकस करो, दूसरा रिविजन अगर हमारी ठीक ठाक है, पढ़ी हुई चीज़ें ठीक ठाक जा रही हैं, तो नई चीज़ों को हम 10 टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे एक दिन के अंदर, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ का हो मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और इंग्लिश का एक एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे, और पिछली चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तरीका रहा हमारे मार्क्स को बढ़ाने का। आप ऐसे 5 दिन करो, 5 डेज करो, और मैं इसको गारंटी देता हूँ अगले 5 दिन के बाद आपके मॉक में 5 नंबर प्लस होंगे। आज से करके शुरू करो, आज जो भी डेट है आपकी 28 जनवरी है ना, अगले 5 दिन तक ये चीज़ फॉलो करो आप, और 5वें दिन के बाद देखना मॉक में आपके 4 से 5 नंबर बढ़े हुए दिखेंगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ठीक है, जाने से पहले आपको मैं याद दिला दूँ, जो भी बच्चा है मॉक टेस्ट लगाना चाहता है लगा सकते हैं, या फिर आप हमारी जो पढ़ के प्रैक्टिस करने के लिए PDFs बाय करना चाहते हो, तो हमारे पास कुछ PDFs हैं, जैसे इंग्लिश वोकैबलरी की और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस की, इन सारे PDFs को बाय करके आप क्या कर सकते हो, इन सारे PDFs की प्राइस मैं बता दूंगा, एक्स ग्रुप के चाहे वाई ग्रुप की इंग्लिश वाले, इनको PDFs को पढ़ के आप एग्जाम से पहले, या फिर जो है ना अभी अगर बाय करके इसको पढ़ लेते हो तो एग्जाम में बहुत हेल्प फॉर्मल है, बिकॉज पिछली बार वो कैब की अराउंड 80 से 90% चीज़ें हमारी PDF से आई थी, प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो थे सेम पैटर्न पे आए हुए थे, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो रीजनिंग की PDF है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हमारे पास मैथ की क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में, करंट अफेयर और GK की PDF है, सारे PDFs को एग्जाम से पहले बाई करके 2 बार पढ़ लो, आपके एग्जाम में मैं बोलता हूँ कि जो करंट मार्क्स आ रहे हैं उसमें 8 से 10 नंबर बढ़ जाने, ठीक है। और सारे PDFs की प्राइस आपको 220 रुपये के आसपास आती है अगर टोटल लेते हो तो, अदरवाइज अलग अलग PDFs लेनी है तो भी आपको मिल जाता है इंग्लिश 60 रुपीज़ में, और अलग अलग PDFs के अलग अलग प्राइस है, सब व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो क्या प्राइसेज है, किस तरीके से पेमेंट करना है, वो सब बता देंगे वहाँ पे, और PDF आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे, और PDF पढ़ के ही जाना, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ PDF से बहुत हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में, क्योंकि हर साल आपको हेल्प मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, वीडियो शेयर कर देना।